हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक फूड्स बाय शशि। अगर आप रोज़ वही एक जैसा नाश्ता खा के बोर हो चुके हैं और कुछ नयापन चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही नए तरीके का नाश्ता लेकर के आ गई हूँ, जिसको अगर आप एक बार बना के खा लेंगे तो इसको आप रिपीट करना चाहेंगे बार बार बार। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमने ले लिया है 2 मीडियम साइज़ का आलू और 1 प्याज। इसको हमने छील लिया है और अब हम इसको पतला पतला स्लाइस करेंगे। कुछ लोगों को प्याज काटना पसंद नहीं होता है, तो उनके लिए मैं आज एक ट्रिक लेकर के आई हूँ। ये चिप्स काटने वाला स्लाइसर तो सभी के घरों में होता है, आप इसी से अपने प्याज को स्लाइस कर सकते हैं। बहुत आसानी से हो जाते हैं और आंखों में भी उतना ज़्यादा नहीं लगते हैं। और फ्रेंड्स, आप मेरी रेसिपी को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, आपको एक बहुत ही मज़ेदार नाश्ते की रेसिपी आज मिलने वाली है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस बिल्कुल टाइम पे मिलती रहें। तो प्याज लगभग हमारा सारा स्लाइस हो चुका है, बहुत ही आसानी से हुआ, बिल्कुल भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना तो आँख में लगा और ना ही हाथ में लगा। ये नाश्ता बनाना जितना आसान है, खाने में उतना ही मज़ेदार लगता है। तो बस सारे प्याज हमारे स्लाइस हो चुके हैं, अब अपने आलूओं को हम कर लेते हैं ग्रेट। तो जो मोटा वाला साइड है उधर से हम इसको ग्रेट करेंगे। अगर आप और भी ऐसी यूनिक रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए, उसमें मैंने ढेर सारी रेसिपीज़ ऐसे पहले से डाल रखी हैं, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं। अपनी सारी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहाँ जाकर के रेसिपीज़ को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब अपने सारे जो भी हमने सब्जियाँ काटी थी उसको हम इकट्ठा एक बाउल में कर लेते हैं। तो प्याज, आलू, धनिया, मिर्चा, इन सारी चीज़ों को हमने इकट्ठा कर लिया है। अब इसमें थोड़े से मसाले ऐड कर देंगे, हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च। आप चाहें तो इसमें मनपसंद के हिसाब से और भी कुछ मसाले मिला सकते हैं जिनका फ्लेवर आपको अच्छा लगता हो। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पिज़्ज़ा मिक्स, और थोड़ा सा डालूँगी जिंजर गार्लिक पाउडर। थोड़ा सा हम इसमें डाल लेते हैं चिली फ्लेक्स, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चिली फ्लेक्स ना डालें, क्योंकि हमने पहले से ही हरी मिर्च और लाल मिर्च डाल रखी है। थोड़ा सा इसमें ऐड कर देते हैं बेसन, बेसन बहुत ही कम डालना है, सिर्फ इतना कि जितना हमारे सब्जियों को बाइंड कर दे। और हम इसमें डाल देते हैं हींग और नमक। बस अब हमारी चीज़ें सब पड़ चुकी हैं जो भी हमें इसमें डालना था, अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि बैटर थोड़ा सा मुझे डार्क लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा हमें लूज़ करना है। बस रेडी हो चुका है हमारा ये बैटर, जिससे कि हम बनाने वाले हैं आज का स्पेशल चटपटा तीखा नाश्ता। तो ले लिया है हमने ये अप्पे पैन, आप इसको नॉर्मल पैन पे भी बना सकते हैं, बट इसमें बनाने से थोड़ा सा इसका शेप जो होता है वो एक जैसा आता है, तो देखने में हमारा नाश्ता थोड़ा और भी अच्छा लगता है। वो कहते हैं ना कि खाना सबसे पहले आंखों से खाया जाता है, जो दिखने में अच्छा लगता है वो खाने में भी अच्छा लगता है। तो ऐसे हम अपने सारे खोल को, सारे मटेरियल को सारे खानों में अच्छे से एक जैसा फैला देंगे। और फ्लेम को हमें रखना है एकदम मीडियम, तेज नहीं करना है और स्लो भी नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पर हमें रखना है और इसे ढक देंगे। उसके बाद देखिए 1 से 1.5 मिनट हमने ढका हुआ था, उसके बाद हम इसको पलट देते हैं, कितना बढ़िया सुनहरा कलर आया है हमारे नाश्ते में। दूसरी तरफ से भी हम इसे ढक के पका लेंगे, 1 से 1.5 मिनट लगेगा, उसके बाद हमारा नाश्ता रेडी हो जाएगा। तो देखिए कितना बढ़िया क्रिस्पी सा नाश्ता हमारा बनके रेडी है, ये बहुत ही चटपटा भी बना है। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और फिर हम इसको सॉस के साथ सर्व करेंगे। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी आपको, मुझे कॉमेंट बॉक्स ज़रूर बताएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।